यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए अपना जो रिवीजन लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यस मैराथन, तो पहले वो देख लो। वहां पे हमने रिवाइज किया था कौन कौन सा, यस यस 2, 10, 11 एंड 12। साथ ही में जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं 16, 13, AS1, और जो AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो मैं अलग से चैप्टर के साथ मैराथन में रिविजन करवाऊंगा। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कुछ करवाने पड़ेंगे आप लोग। उसके साथ जितना क्वेश्चन हो पा रहा है मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन में, ये सुपर समरी रिवीजन है ना, 30 मिनट 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन दिखा के, तो आप समझ जाओ। अगर इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है तो बहुत सारे AS मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, वहां पे सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो सीरीज है वहां पे आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, आगे बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहोगे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। दूसरी चीज, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, साथ ही में जो भी मन में क्वेरी है उससे रिलेटेड आपको कॉमेंट करना है, जैसा भी वीडियो लगा वो भी आप बताओ कॉमेंट करके। ठीक है, कुछ और मदद चाहिए तो वो भी बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं AS16। AS16 है बोरोइंग कॉस्ट। सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। देखो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद इन कनेक्शन ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और दूसरा और कोई भी कॉस्ट हो जो फंड बोरो कर रहा है ना एंटरप्राइज, उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होता है सारे बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा है। कोई भी एंटिटी है, मान लो ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड को आगे इन्वेस्ट करने के लिए फंड चाहिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं। पीछे से मान लो ए लिमिटेड फंड बोरो करके ले आया, अब बैंक लोन हो या डिबेंचर से हो, बॉन्ड से हो, किसी भी तरीके से हो, तो जहां से भी बोरो करके आप फंड लेके आओगे तो रिटर्न में तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उस बोरोइंग पे, साथ ही में और जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होंगे ना किसी भी चीज को फाइनेंस करने का, बोरो करने का, वो सारे यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। ठीक, यहाँ पे वही लिखा है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड। अब देखो अदर कॉस्ट में क्या आता है, अदर कॉस्ट में चार ऐसे कॉस्ट आते हैं जो आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखना है, बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है। चार टाइप के अदर कॉस्ट हो सकते हैं, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और चार अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, आप लिख लेना। ठीक है, नंबर वन, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन बोरोइंग। ठीक है, मान लो आप बॉन्ड इश्यू करके लेके आए, आप बॉन्ड इश्यू करके लेके आए, अगर डिस्काउंट में इश्यू करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान है, वो भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा है। मान लो प्रीमियम में रिडीम्ड करने वाले हो तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए नुकसान है। मान लो कि 100 रुपया लेके आए, कल को उसको रिटर्न करते टाइम 1 से 10 देना है तो नुकसान ही तो है 10 रुपया, है कि नहीं, तो इसको भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मानना है अलग। उसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलियरली कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, जैसे कि मान लो किसी एजेंट के थ्रू आपको बोरोइंग मिली है, बैंक लोन मिली है, तो उसका कमीशन है ना, या ब्रोकरेज, ये हो गया एंसिलियरली मतलब रिलेटेड कॉस्ट, उसी बोरोइंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो। फाइनेंस चार्ज इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज के केस में जो फाइनेंस चार्ज होता है ना इंस्टॉलमेंट में जो जुड़ा होता है वो क्या है बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा है अलग। और चौथा जो लास्ट है, पांचवा, वो है एक्सचेंज डिफरेंस। इस पे तो पैरा 4E डिटेल में बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में, और एक्सचेंज डिफरेंस पे क्वेश्चन भी है, क्या पूरा एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा होगा, तो नहीं, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट जितना तक है ना, जिसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट, सिर्फ उतना बोरोइंग कॉस्ट होता है। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या आएगा, एक तो इंटरेस्ट आएगा, चार अदर कॉस्ट भी आते हैं, जैसे कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम का एमोर्टाइजेशन, एंसिलियरली कॉस्ट का एमोर्टाइजेशन, है ना, फाइनेंस लीज के केस में फाइनेंशियल चार्जेस, और लास्ट बताओ एक्सचेंज डिफरेंस टू एक्सटेंड एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो बोरोइंग कॉस्ट का रिकॉग्निशन जब भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होता है ना, हम क्या करते हैं, राइट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है, खर्चा है, पीएल में भेजेंगे, लेकिन हाउएवर इफ बोरोइंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में आप कैपिटलाइज करोगे,
यही लिखा है, शुड बी कैपिटलाइज इफ इट इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, समरी में नोट्स है, पूरा लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। जैसे कि बोरोइंग कॉस्ट का क्या करना है, अगर क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे आपने फंड बोरो किया, एक बिल्डिंग बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उससे रिलेटेड है, तो उसका बोरोइंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर सकते हैं टू कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अदर बोरोइंग कॉस्ट है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए आए, बिजनेस के लिए लेके आए, ठीक है, किसी चीज का एडवांस देने के लिए लेके आए, तो ये क्या करेंगे, पीएल में राइट ऑफ करेंगे ये बोरोइंग कॉस्ट को। यही लिखा है कि बोरोइंग कॉस्ट वैसे तो पीएल में राइट ऑफ होता है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उस बोरोइंग कॉस्ट को क्या करेंगे, उस एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। याद रहेगा, चलो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, अभी हमने बोला ना क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। तो क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल, ध्यान रखना ये वर्ड, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूजर सेट। ऐसा एसेट जिसको यूज में लाने के लिए, या फिर अगर आप यूज नहीं करना चाहते उसको प्रिपेयर करके सेल करने वाले, कंस्ट्रक्ट करके सेल करने वाले हो, खरीद के सेल करने वाले हो, तो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो उसकी एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन में। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, तो एएस कहता है इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। हम कुछ नहीं कहते, ये केस टू केस वैरी करेगा, कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। हाँ, कुछ ना बोले तो पीरियड ऑफ 12 मंथ कैन बी कंसीडर्ड एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ना बोले तो 12 महीने के लिए जरूर आप ले सकते हो, कि 12 महीने या उससे ज्यादा जिसमें लग रहा है मानेंगे कि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, उसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, अगर कुछ ना बोला हो तो। लेकिन शॉर्टर एंड लॉन्गर पीरियड में भी टेकन, छोटा 12 महीने से कम भी या 12 महीने से ज्यादा का भी पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एएस खुद कहता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट क्या चाहे, तो कोई 12 महीने से कम में भी एसेट कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट मान के उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकता है इंटरेस्ट, 100% कर सकता है, क्योंकि यस ये अलाउ करता है। ध्यान से पढ़ो, यस क्या कहता है, यस ये अलाउ करता है कि शॉर्टर और लंगर पीरियड भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस। यहां पे ऊपर सेम चीज लिखी हुई है, ठीक। चलो थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें GHI लिमिटेड obtain अ बैंक लोन ऑफ 70 लाख 15 अप्रैल को, ठीक है, टू यूटिलाइज फ्लोइंग। और उस लोन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सीट, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। अब देखो ये तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं लग रहा, वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली नहीं है, अभी मैंने पढ़ा है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम पर, ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, तो इसके हिस्से का इंटरेस्ट पीएल में जाएगा। और जब देखो एडवांस फॉर मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ पे दिया हुआ है और एक कंस्ट्रक्शन, जब भी कुछ ना बोले तो वहां पे देखो हमने क्या पढ़ा, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लेकिन बेहतर है हमेशा ये होगा ना कि जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करता है ना, तो ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आपको एज्यूम करना चाहिए और क्वालिफाइंग एसेट माननी चाहिए। और जब भी परचेज की बात करें, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रहा है, तो माना जाता है कि परचेज करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं लगेगा, आज जाओ और कल ही आप परचेज करके ले आ सकते हो, ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो परचेज के केस में या एडवांस फॉर परचेज के केस में आप ये एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसका इंटरेस्ट क्या करेंगे, पीएल में राइट ऑफ करेंगे, इसका भी, इसका भी। और ये क्वालिफाइंग एसेट मानोगे, और क्वालिफाइंग एसेट है तो क्या करोगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। समझ में आया क्या, चलो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
यहाँ पे दिया है मार्च एंड में टोटल जो इंटरेस्ट है आपका कितना है, ठीक है, 9,10,000। अब ये 9,10,000 तो पूरा 70 लाख का इंटरेस्ट है, वो 70 लाख यहाँ यहाँ ऐसे यूज हुआ है। तो आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सीड को अगर मैं मान रहा हूं क्वालिफाइंग एसेट है, तो इसके अपोर्शनमेंट का, इसके हिस्से का जो इंटरेस्ट है वही इसके कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। बचे हुए ये तीन के जो हिस्से का इंटरेस्ट है आपको क्या करना है, राइट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखाएंगे आप, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सीट, अच्छा देखो ये टोटल खर्चा कितना है, चारों को जोड़ोगे तो 70, 9,10,000 टोटल इंटरेस्ट है, 70 टोटल बोरोड फंड है, और इसके हिस्से का 25 करोगे तो ये आ गया रेशियो, वैसे ही सबका आप कर लोगे, ठीक है, अपने अपने हिस्से का आ जाएगा। ये तीनों पीएल में राइट ऑफ होंगे और ये कैपिटलाइज होगा उसके कॉस्ट में, लिख दोगे नेचर तो ये क्वालिफाइंग है और ये तीनों क्वालिफाइंग नहीं है, सिंपल। एजम्पशन भी लिख देना, देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि इट हैज एज्यूम्ड दैट फैक्ट्री सीड वाज कंप्लीटेड ऑन दिस मंथ और क्वालिफाइंग एसेट है। चलो दूसरा देखो, ये रहा 32 करोड़ का हमने क्या लिया है लोन, और इंटरेस्ट उस पे है 80 लाख, और उस लोन को कहाँ पे यूज किया है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग, ठीक है कोई बात नहीं, इसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। अभी मैंने बोला कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करें तो आप एज्यूम करना क्वालिफाइंग एसेट है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी नॉन क्वालिफाइंग, वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग, परचेज ऑफ व्हीकल नॉन क्वालिफाइंग, एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन नॉन क्वालिफाइंग, परचेज ऑफ टेक्निकल नोहाउ नॉन क्वालिफाइंग, ठीक है। चलो तो इस इंटरेस्ट को इसके हिस्से का आप क्या करोगे, कैपिटलाइज, और इनके हिस्से का क्या करोगे, पीएल में राइट ऑफ करोगे। दूसरा चीज यहाँ पे एक बात दिया है, वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर सी लेवल। हम एक देखेंगे सस्पेंशन के बारे में अभी थोड़ी देर बाद, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, पर जब सस्पेंशन पढ़ाऊंगा तो ये बात को मैं एक बार याद दिलाऊंगा आपको, ठीक है, कि अगर एक सस्पेंशन फेज आता है जिस फेज में कोई भी बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हुआ है तो वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ना करके पीएल में भेजते हैं, थोड़ी देर बाद आएगा ये टॉपिक, फिलहाल यहां पे देखो। हाँ, इसके हिस्से का कैसे निकलेगा, तो टोटल 80 लाख है इंटरेस्ट, 32 करोड़ है अपना, 25 से इंटू करोगे आ जाएगा, बताओ 62,50,000। सबसे पहले लिखना पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखना क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं, या फिर नेचर लिखोगे तो बारी बारी लिखना, ये क्वालिफाइंग एसेट है नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज में ये, और बचे हुए इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इनके हिस्से का जो अपॉर्चुनमेंट आएगा वो पीएल में भेजेंगे, सिंपल सी बात है। आओ स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहला स्टेज है कमिसमेंट, कब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, ऑल द थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। नंबर, एक्सपेंस होना चाहिए आउट ऑफ बोरोड फंड, इसका मतलब क्या होता है, मान लो 10 करोड़ की हमने बोरोइंग करी पर क्वालिफाइंग एसेट में सिर्फ 2 करोड़ रुपया लगा, तो सिर्फ 2 करोड़ जो लगा है ना उसी का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे, यानी कि बोरो करके लिया है इस वजह से नहीं कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंडिचर भी होना जरूरी है, कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्या होना जरूरी है, उस क्वालिफाइंग एसेट में उस बोरोड फंड का पैसा लगना भी जरूरी है, ठीक है, यही लिखा है एक्सपेंडिचर आउट ऑफ बोरोड फंड। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, यानी कि जितना आप उस बोरोड फंड पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना वही आप चार्ज करोगे, नोशनल इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वालिफाइंग एसेट के लिए मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट रेट था 6%, लेकिन मुझे एक्चुअली में वेव अप हो गया और 4% पे करना पड़ा, तो 4% पे किया तो 4% के रेट से जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा सिर्फ वो कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट वही है, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा एक्चुअल होना चाहिए, जितना आपने पे किया उतना ही आप कैपिटलाइज करेंगे। थर्ड, एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड सेल वो इन प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि वो एक्टिविटी जिसकी वजह से वो अपनी यूज के लिए या फिर सेल करने की कंडीशन में रेडी टू यूज
या रेडी टू सेल के कंडीशन में आ जाए वो एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए। यानी कि मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी रुकी नहीं रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, है ना। तो नेसेसरी एक्टिविटी शुड बी इन प्रोग्रेस, ठीक है। चलो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब जाके बोरोइंग कॉस्ट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। सस्पेंशन कब रोक सकते हैं, सस्पेंशन का मतलब पीरियड में, उस पीरियड में बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे बोरोइंग कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक। देखो व्हेन नेसेसरी एक्टिविटी आर डिसकंटिन्यू, नेसेसरी एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो नेसेसरी है उस क्वालिफाइंग एसेट को इंटेंडेड यूज या इंटेंडेड सेल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो एक्टिविटी अगर डिसकंटिन्यू है, रोक दिया गया है, मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, ठीक है। तो जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन रोका गया है, मान लो लेबर स्ट्राइक हो गया, एक साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो एक साल का इंटरेस्ट आप पीएल में चार्ज करोगे, क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करोगे, ठीक है। हाउएवर टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन शुड बी इग्नोर्ड, यानी कि जो डिसकंटिन्यू है कि एक्टिविटी रोक दिया गया है वो क्या होना चाहिए, इन द नेचर ऑफ परमानेंट, टेम्पररी है तो नहीं, टेम्पररी है तो उस फेज का भी इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में था कि कंस्ट्रक्शन हो रही है सीलिंग अक्रॉस टू सिटीज, एक महीने के लिए जब वाटर लेवल बढ़ा तो हमने उसको कंस्ट्रक्शन को रोक लिया, ये क्या है, ये टेम्पररी है। इसीलिए टेम्पररी होने के बावजूद हमने पूरा साल भर का जो इंटरेस्ट इसके हिस्से में आया था वो हमने क्या किया, कैपिटलाइज किया, है कि नहीं। क्योंकि ये जो सीलिंग बन रही थी उसमें वाटर लेवल का बढ़ना क्या है, कभी रेनी सीजन में वाटर लेवल बढ़ जाता है तो कुछ दिन काम रुकना पड़ता है, तो टेम्पररी ही तो हुआ। चलो अब आता है सीजेशन, यानी कि कब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन करना रोक दिया जाएगा परमानेंटली, यानी कि उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है क्वालिफाइंग एसेट में। व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट बिकम रेडी फॉर इंटेंडेड यूजर सेल, जब क्वालिफाइंग एसेट रेडी हो गया तो उसमें उसका इंटरेस्ट अब कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बावजूद अगर इंटरेस्ट इनकर्ड हो रहा है, लोन आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्या करोगे, पीएल में भेजोगे। अगर पार्ट में कंप्लीट होता है तो बहुत सारे एसेट होते हैं ना, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो पार्ट अगर इनडिपेंडेंट है ना, यानी कि वन पार्ट कैन बी यूज्ड विदाउट अदर पार्ट, इनडिपेंडेंट का मतलब बिना दूसरे पार्ट का ही पहला पार्ट यूज किया जा सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो पार्ट बन गया ना उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करना रोक देंगे, उसका इंटरेस्ट अब पीएल में जाएगा। और डिपेंडेंट है, एक पार्ट बन चुका है पर बनने का कोई फायदा नहीं, जब तक अगला सारे पार्ट ना बन जाए तब तक उस पार्ट को यूज भी नहीं कर सकते, तो भले ही बन चुका हो उसका इंटरेस्ट क्या करेंगे, कैपिटलाइज करते रहेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, बनने के बावजूद अस्तित्व में नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन शुड बी कंटिन्यूड, ठीक है। आओ जरा एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सीज्ड अकॉर्डिंग टू ईएस 16, बताओ कब सीज करेंगे, जब नेसेसरी एक्टिविटी जो जब क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली बिकम रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड सेल, ठीक है, रेडी हो जाएगा इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए। हाउएवर अगर पार्ट में कंप्लीट हो रहा है और पार्ट इनडिपेंडेंट है तो कैपिटलाइजेशन रोक देंगे जो पार्ट कंप्लीट हो गया है उसका, अगर पार्ट डिपेंडेंट है तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोविजन आपको लिखना है बस। अब आते हैं अगला, टाइप्स ऑफ बोरोइंग। देखो मान लो ये क्वालिफाइंग एसेट बन गई है, ठीक है, 2 करोड़ का आप लोन लेके आए जो एक्सक्लूसिवली इसमें लगा, ठीक, और भी आपने साल में लोन लिया, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, इस लोन में से कुछ पैसा इसमें लगा और कुछ पैसा आपने नॉर्मल बिजनेस में यूज किया, जो वर्किंग कैपिटल या किसी को देने के लिए, ठीक है, या एफडी करवा लिया किसी भी चीज के लिए। अब देखो जो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए आया है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, जिसका पैसा सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट में लगा, और जो पैसा बोरो सॉरी जो पैसा बोरो हुआ है ना, जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हुआ, उसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग। क्या बोलेंगे, जनरल बोरोइंग, यानी कि जनरल पर्पस के लिए बोरो हुआ था, कुछ इसमें भी लगा, कुछ अदरवाइज भी यूज हुआ वर्किंग कैपिटल में एंड अदरवाइज, ठीक है। तो बोरोइंग कैसे हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, तो इसका तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे,
क्योंकि ये पैसा यूज ही कहां हुआ है, क्वालिफाइंग एसेट में, ठीक। दूसरा जनरल बोरोइंग, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या पूरा का पूरा 15 करोड़ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दू क्वालिफाइंग एसेट में? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो बोरो हुआ है ना, इसका जो पैसा है यूज हुआ है वो अलग अलग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के हिस्से में जो आना चाहिए ना उतना ही हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज करेंगे बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज रेट। जरा देखो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा। मान लो अलग अलग बोरोइंग है, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में 10 करोड़ था ना, ये 8% रेट पे बोरो हुआ है, और 5 करोड़ जो था ना ये 12% रेट पे बोरो हुआ है। तो सबसे पहले तो एक वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे जनरल बोरोइंग का। देखो स्पेसिफिक बोरोइंग तो सिंपल, जितना इंटरेस्ट रहेगा पूरा कैपिटलाइज कर दोगे। जनरल बोरोइंग का देख रहे हैं, जनरल बोरोइंग के लिए वेटेड एवरेज रेट निकालोगे कैसे? बोरोइंग कॉस्ट लोगे डिवाइड बाई बोरोड फंड इंटू 100। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर बोरोड फंड से ज्यादा है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर हो रखे हैं वो ज्यादा है और जो जनरल बोरोइंग का पैसा है जो यूज हुआ है क्वालिफाइंग एसेट में वो कम है, तो उस केस में आप एक्सपेंडिचर को लोगे वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, टोटल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर और बोरोड फंड विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर होगा, इंटू 100। तो ये तो परसेंटेज में हो गया। ये डेज का कैलकुलेशन आपके लेवल पे आएगा नहीं, आपके लेवल में हमेशा बोरोइंग स्टार्ट ऑफ द ईयर में दे देगा, ठीक। ये कब मैंने लिया है डेज का कैलकुलेशन, जब बोरोइंग अलग अलग डेट पे हो, ड्यूरिंग द ईयर भी बोरोइंग हो रखा हो तो वहां पे आपको डेज अनुसार निकाल के पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर आपको अपने लेवल पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आपको अपने लेवल पे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बोरोइंग देगा, ठीक। अब इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, तो जितना एक्सपेंड हुआ है जनरल बोरोइंग से उसमें इंटरेस्ट रेट जो ऊपर निकाला है हमने वेटेड एवरेज इनटू कर दो। ये डेज का कैलकुलेशन फिर आपको करने की जरूरत नहीं, पता है क्यों? ये वाली मेथड से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर भी तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा, कई बार जनवरी में कुछ हुआ, मार्च में कुछ हुआ, जरूरी नहीं पूरे खर्चे स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो गया हो, है कि नहीं। तो डेज अनुसार ना निकाल के इसको एक एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर अगर आप निकाल दोगे तो ये डेज की कैलकुलेशन से बच जाओगे। और मैं अभी सॉल्यूशन कराते टाइम ऐसे ही कराऊंगा डेज का कैलकुलेशन इग्नोर करके। तो एक्युमुलेटेड एक्सपेंडिचर वाला अप्रोच ज्यादा बेहतर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक्युमुलेटेड एक्सपेंस इनटू रेट करोगे आ जाएगा, ठीक। चलो जरा एक क्वेश्चन देखे क्या। हाँ जी, मिसेस आयू लिमिटेड बिगेन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग 1 जनवरी को, ऑब्टेन 3 लाख लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 1 जनवरी एट 12% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 1 जनवरी को हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और एक लोन लिया 3 लाख का जो उसी बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये तो स्पेसिफिक बोरोइंग हो गया, इसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, ठीक। अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन, दो और लोन है कंपनी के, ठीक है, 6 लाख के और 11 लाख के, ठीक, कोई बात नहीं, 11% एंड 13%, ये क्या है, जनरल बोरोइंग। तो इसको वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे, फिर बचा हुआ उसके बाद उस रेट के अनुसार एक्सपेंडिचर जितना हुआ रहेगा उतना कैपिटलाइज करेंगे, ठीक। एक्सपेंडिचर दिया है ड्यूरिंग द ईयर ये, ठीक। तो मैंने क्या बोला, एक्युमुलेटेड एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो डेज की कैलकुलेशन से बच जाओगे, सिंपल सा है। 31 दिसंबर को कंप्लीशन कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ AS 16 बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज और पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजेशन कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले एक्युमुलेटेड एक्सपेंडिचर निकालते हैं, ठीक। जनवरी में जो खर्चा हुआ वो तो स्टार्ट ऑफ द ईयर का ही हो गया, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट हमें लगाना चाहिए, है कि नहीं। अप्रैल में जो खर्चा हुआ, ठीक, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बीतने के बाद ये खर्च हुआ, तो ये खर्च 9 महीने के लिए हुआ था, ड्यूरिंग द 9 मंथ इस खर्च को हमें चार्ज करनी चाहिए। जुलाई में जो खर्चा हुआ ये सिर्फ 6 मंथ के लिए, और दिसंबर में जो खर्चा हुआ ये सिर्फ 1 मंथ के लिए, यही किया है एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। जनवरी में जो खर्च हुआ इसको वेटेज कैसे दिया है, 12 बाई 12, है कि नहीं, क्योंकि ये साल पूरे साल ये खर्चा था, ये खर्चा सिर्फ 9 महीने हुआ है कि नहीं, 3 महीने के बाद हुआ था, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि जब हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। उस 3 महीने में जब खर्चा ही नहीं हुआ था तो उस बोरोइंग कॉस्ट पे जब एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ था तो उस 3 महीने का तो इंटरेस्ट हमें नहीं लेना है ना, हमें सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। वैसे ये सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, तो ऐसे निकाल लोगे और ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक, अब निकालते हैं वेटेड एवरेज रेट। देखो सिंपल है, वेटेड एवरेज रेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, बोरो वेटेड एवरेज रेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, बोरोइंग कॉस्ट डिवाइड बाय फंड या एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, यही बताया था ना, जरा बताना। 850,000 में से यहां पे देखो, पहले तो यहां पे डिवाइड कर लो, 3 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग से हुआ होगा क्योंकि 3 लाख हमने इसी के लिए लोन लिया, तो बचा हुआ 550,000 नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग से हम मानेंगे, जनरल बोरोइंग से। ठीक है, ये किससे मानेंगे, स्पेसिफिक। ऊपर सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हैं, एक बात बताना, यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है टोटल में, 3, 6, 11, 12, 13, 13,50,000। ठीक, 3 लाख अगर स्पेसिफिक से हुआ है तो बचे हुए 10,50,000 हुआ होगा नॉर्मल बोरोइंग से, 10,50,000 हुआ होगा ये बोरोइंग से, जनरल बोरोइंग से। और जनरल बोरोइंग है कितना, तो जनरल बोरोइंग है 11,00,000, 6,00,000, 17,00,000। बताओ बोरोइंग 17 लाख था और खर्चे हुए उसमें से 10 लाख, विच एवर इज हायर, कौन सा है, 17 लाख, यानी कि बोरोड फंड ज्यादा है। तो डिवाइड करते टाइम आप किससे डिवाइड करोगे, बोरोड फंड से इनटू 100%। देखो आपके लेवल में जितने बार भी क्वेश्चन दिया है ना, बोरोड फंड ज्यादा है, तो सिंपल तरीके से इंस्टीट्यूट ये कर देता है बिना प्रोविजन लिखे। लेकिन जहां पे भी एक फाइनल में क्वेश्चन आप देख लोगे ओल्ड मॉड्यूल का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा जहां एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वहां पे अगर बोरोड फंड से डिवाइड कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब बोरोइंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल है, 6 लाख पे 11% लगा दो, इतना 11 लाख पे 13% इंटरेस्ट, इतना ये रहा टोटल 2,09,000। फंड कितना है, 17 लाख, जो लोन है अपना 100% करोगे कितना आ जाएगा, 12.29%। बताओ अभी मैंने बताया एक्सपेंस जो आया एवरेज एक्सपेंस 8.5 लाख, जिसमें 3 लाख हम स्पेसिफिक हटा देंगे, नॉन स्पेसिफिक कितना, 5.5 लाख, इस पे कौन सा रेट लगाओगे, 12%। आ जाओ जरा, स्पेसिफिक बोरोइंग 3 लाख था, उसका रेट था 12%, तो ये तो कैपिटलाइज होगा ही। नॉन स्पेसिफिक से कितना, 5.5 लाख, उस पे क्या रेट लगाओगे, 12.2, तो ये टोटल इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक तो बिल्डिंग में खर्चा 13,50,000 हुआ है, ऊपर मैंने जोड़ दिया, प्लस इंटरेस्ट ये कैपिटलाइज करनी पड़ेगी, तो इतने से डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब आते हैं पैरा 4। बताओ इंटरेस्ट कॉस्ट में मैंने 5वें नंबर में क्या बोला था, एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल तरीके से बोलूं तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट। नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक लोन लेना है, करेक्ट, लोन आप इंडिया से भी ले सकते हो और फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो, करेक्ट। फॉरेन करेंसी में लोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, फॉरेन करेंसी में लोगे तो लोन क्या है, एक मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब भी लोन लोगे अगर फॉरेन से, तो एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ तो वहां पे एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। अच्छा, फॉरेन से लोन लेने पे यूजुअली क्या होता है, फॉरेन में लोन का रेट जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है इंडिया की तुलना में। तो अगर कोई इंटरेस्ट में सेविंग हो रही है तो जितना इंटरेस्ट में सेविंग हो रही है उतने तक का एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट AS 16 के अनुसार ट्रीटमेंट होगी, बचा हुआ एक्सचेंज डिफरेंस जो है कहां पे, AS 11 के अनुसार एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट होगा। सिंपल सा है, नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट। अब सेविंग इन इंटरेस्ट कितना ब्याज बच रहा है कैसे निकलेगा, लोन इंडिया से लेते तो कितना इंटरेस्ट आता, लोन फॉरेन से लेते तो कितना इंटरेस्ट आता, फिर देख लेंगे दोनों का डिफरेंस कितना बचा हमारा इंटरेस्ट, है ना। और एक्सचेंज डिफरेंस जो है, जितना इंटरेस्ट सेविंग है उतना बोरोइंग कॉस्ट है, बचा हुआ क्या है,
तो बचा हुआ है एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज पर एएस 11। एक क्वेश्चन देखो, सन बिल्डर लिमिटेड हैज बोरोड अ सम ऑफ 10 लाख रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 14-15। कितना बोरो किया है? 10 लाख। रेट क्या है फॉर इट्स रेजिडेंशियल प्रोडक्ट? एंड इंटरेस्ट जो है वो है लीबर, ये लंदन इंटर बैंकिंग ऑफर रेट है, +4, यानी कि लीबर में 10% जोड़ दीजिए। लीबर यहाँ पे दिया है, लीबर रेट 1%, तो 1+3, 4%। फॉरेन से अगर आप 10 लाख लोन लिया है और 10 लाख लोन 4% के रेट पे पड़ा, ठीक। द इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईयर, ऑब्वियसली इंटरेस्ट साल के एंड में पे होना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट एक्सचेंज रेट, जब हमने लोन लिया स्टार्टिंग में तो $1 इज इक्वल टू 56 रुपीज था, और साल के एंड में $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज था, करेक्ट। हमने अगर इंडिया से लोन लिया तो लिख रहा है अगर रुपी में लोन लिया तो 10.5% इंटरेस्ट रुपी में कितना है? 10.5%, ठीक है। कंप्यूट बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट बताइए। मैंने क्या बोला, बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा? एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सचेंज नेशनल सेविंग इन इंटरेस्ट एन एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस एएस 11 के अनुसार ट्रीटमेंट होगी। चलो सबसे पहले देखो, अगर हम फॉरेन से लोन लेते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? सिंपल सा है, $10 लाख लोन है, ठीक है। साल के उस पर 4% इंटरेस्ट रेट लगा दोगे तो ये आ गया इंटरेस्ट, लेकिन ये तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इंडियन करेंसी में, और साल के एंड में इंटरेस्ट पे करना है ना, तो ये एक्सचेंज रेट लगाओगे 62 का तो कितना आया? 24.8 लाख, ठीक। फिर निकालो, अगर वही लोन हम साल के स्टार्टिंग में जब हमें चाहिए था लोन इंडिया से लेते तो हमें कितना ब्याज पड़ता? तो इंडिया से अगर लेते तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? देखो, 10 लाख का लोन लेते, उस दिन का एक्सचेंज रेट कितना था जिस दिन हम ये लोन लिए? 56, तो 56 से कर दोगे तो लोन इंडियन करेंसी में आ जाएगा, इनटू इंडियन रेट कर दोगे तो ये आ गया इंडिया से रेट। अब बताओ, इंडिया से अगर लोन लेते तो 58.8 लाख आया इंटरेस्ट, फॉरेन से लिया तो 24.8। कितना सेविंग हुआ फॉरेन से लेने से बताओ? 58.8 माइनस 24.8, 34 लाख। यही है नोशनल सेविंग। नोशनल क्यों बोल रहा हूं, हमने लिया तो फॉरेन से है ना, कंपेयर करके देख रहे हैं, अगर इंडिया से लेते तो फॉरेन का लोन कितना सस्ता है। अब एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लें। चलो, एक्सचेंज डिफरेंस कैसे निकलेगा? लोन एक मॉनेटरी आइटम है। देखो, 56 से 62 हो गया तो 62 माइनस 56 करोगे तो ये आ गया पर डॉलर का, 10 लाख से इंटू कर दोगे 60। अब देखो, मैंने क्या पढ़ाया कि एक्सचेंज डिफरेंस जो है ना वो 60 लाख आया, और सेविंग इन इंटरेस्ट कितना है? 34 लाख है। बैलेंस कितना हो गया? 26 लाख। मैंने क्या बोला था, एक्सचेंज डिफरेंस टू एक्सटेंड सेविंग इन इंटरेस्ट शैल बी कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट एज पर एएस 16, एंड बैलेंस जो है वो एएस 11 के अनुसार ट्रीटमेंट होगा। तो एक तो बोरोइंग कॉस्ट एक्सचेंज डिफरेंस का हिस्सा भी आया 34, और रियल में आप फॉरेन में लोन ले रखे हो तो बोरोइंग कॉस्ट आपको ये पे तो करनी पड़ेगी इंटरेस्ट 24.8, तो ये 34 प्लस 24.8, इतना टोटल आपकी आ जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। चलो यही है पैरा 4.8, यहां पे अच्छे समझा रखा है मैंने, क्वेश्चन करा दिया, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो स्पेशल पॉइंट में देखो, अगर प्रोग्रेसिव पेमेंट हो रही है, बीच बीच में पेमेंट हो रहा है, तो जब पेमेंट हो गया उस चीज का तो उतने एक्सपेंडिचर जब भी निकालेंगे वो घटा के निकालेंगे, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट लग नहीं रहा। या फिर ग्रांट आपको मिल गया, तो ग्रांट मिल गया तो उतना तो एक्सपेंडिचर आपका हुआ नहीं, तो उस पर भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट, कई बार हम कंस्ट्रक्शन में अपनी भी एसेट को यूज कर देते हैं तो उसके लिए आउटफ्लो तो नहीं होता, तब भी वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा, एक्सपेंडिचर में उसको जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड, बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए 10 लाख का बोरो करके लाए, 2 लाख क्वालिफाइंग एसेट में लग गया और 8 लाख जो बचा था आपने एफडी करा दी, एफडी पे ब्याज आया 48,000 का। अब नियम क्या कहता है, 8 लाख का जो इंटरेस्ट है बोरोइंग कॉस्ट वो तो पीएल में जाएगा क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, और इसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? कैपिटलाइज होगा। तो नियम तो ये कहना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट कमा रहा है ना एफडी करा के, ये भी पीएल में क्रेडिट होनी चाहिए, पर रूल थोड़ा ऐसा नहीं है। एएस में थोड़ी सी ये चीज मिस्टेक है,
यस कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट जो है ना 10 लाख, मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 10% डिबेंचर एक 10 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख इंटरेस्ट आएगा, उसमें से पहले एफडी का इंटरेस्ट घटा दो और बची हुई बोरोइंग कॉस्ट को जिस रेशियो में फंड यूज हुआ है उस रेशियो में बांट दो, ये बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। ठीक, चलो, वैसे आपको लगेगा कि एएस में ये चीज गलत लिखा है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो जब 8 लाख का पूरा इंटरेस्ट, एएस कहता है कि 8 लाख पे जो भी इंटरेस्ट लगता है हमें ट्रांसफर करनी चाहिए पीएल में, और उसकी कमाई भी है पीएल में ट्रांसफर करनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है पहले बोरोइंग कॉस्ट में से वो इंटरेस्ट का कमाई घटा दो, बैलेंस बोरोइंग कॉस्ट को बांट दो जिस रेशियो में बोरोइंग कॉस्ट यूज हुआ है उस रेशियो में, ठीक है, जिस रेशियो में बोरोड फंड यूज हुआ है। डिस्क्लोजर पूछेगा नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या यूज हुआ है और बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज हुआ है। एएस 13 देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। शेयर में पैसा लगा दिया अगर आपने डिविडेंड कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट एफडी कर लिया आपने इंटरेस्ट कमाने के लिए, किसी को लोन दे दिया इंटरेस्ट कमाने के लिए, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। रेंटल इनकम, कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी खरीदा और रेंट पे चढ़ा दिया, क्या है, रेंटल इनकम कमाना। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मींस एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, इनकम कमाने के लिए जो भी एसेट हम हेल्ड करते हैं सारा वो है, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल एप्रिसिएशन, देखो कई बार इंसान गोल्ड खरीद के रखता है, गोल्ड महंगा हो जाता है उसको बेच देता है, है ना। कई बार आप हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पता है उसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है जो रेंटल रिटर्न है, पर इंसान क्या सोच के करता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, आज 1 करोड़ का घर है कल को महंगा हो गया 2 करोड़ का हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी फॉर्म में अगर आप रिटर्न कमा रहे हैं किसी एसेट को रख के, तो वो एसेट आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट दो किस्म का हो सकता है, एक करेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म। करेंट का मतलब देखो, करेंट है कि लॉन्ग टर्म है, ये हमेशा इंटेंशन से पता चलता है, इंटेंशन टू होल्ड। जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इंटेंशन है होल्ड करने का नॉट मोर देन 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर में उसको सेल आउट कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो वो करेंट है। 12 महीने से ज्यादा रखना है आपको तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। ये कैसे पता चलेगा, इंटेंशन, जो खरीद रहा है उसी का तो, जो खरीद रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी को पता होगा ना उसका इंटेंशन क्या है। तो अगर क्वेश्चन में इंटेंशन क्लियर ना करे तो आपको एजुम्सन लेना पड़ेगा कि हम एज्यूम करते हैं एंटिटी का इंटेंशन है इसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने का, या एंटिटी का इंटेंशन है इसको 12 महीने से कम होल्ड करने का, क्योंकि जो एएस है वो क्या कहता है कि इंटेंशन देखी जाएगी, इंटेंशन टू होल्ड। अब कब, एट द टाइम ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से 12 महीने के भीतर भीतर में आपको डिस्पोज ऑफ करना है कि 12 महीने के बाद तक होल्ड करना है, ये तय करेगा करेंट है या लॉन्ग टर्म है। ठीक, वैल्यूएशन देखो, अगर बैलेंस शीट डेट पे आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो वो वैल्यू होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक, अभी देखेंगे फेयर वैल्यू क्या होता है, चलो पहले फेयर वैल्यू देख लेते फिर लॉन्ग टर्म पे आएंगे। कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, कई बार फेयर वैल्यू दिया नहीं होता ना तो हम ले लेते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक, मार्केट वैल्यू का मतलब, फेयर वैल्यू का मतलब दो, एक बायर और एक सेलर, एक विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर। विलिंग का मतलब बायर जो खरीदने वाला है, सेलर जो बेचने वाला है, आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे जिस रेट पे एक्सचेंज करते हैं ना किसी एसेट को, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। मान लो मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपसे वो चीज, जितने चीज में वो खरीदने वाला हूं ना, जिस प्राइस पे वो खरीदने वाला हूं, वो हो गया उसके लिए फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ओपन मार्केट में बेच के कितना पैसा आएगा उस चीज को, वो उसका मार्केट वैल्यू हो गया। अब फेयर वैल्यू जब पता नहीं होती ना, फेयर वैल्यू जब पता नहीं होती ना, तो मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान लेते हैं कि ओपन मार्केट में जितना बिकता है एक बायर भी मेरे से उतने में ही खरीदेगा, है कि नहीं। अब मार्केट वैल्यू और एनआरबी में क्या फर्क है, कहीं पे एनआरबी भी लिखा होता है। देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में बेचोगे तो मार्केट प्राइस पे बिकेगा मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू उतने भी हो सकता है अगर कोई एक्सपेंस ना हुआ तो, और कोई सेलिंग एक्सपेंस हो तो वही मार्केट वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस घटा दोगे तो जो हाथ में आया ना बेचने के बाद उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सिंपल। चलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट याद रहेगा, करेंट इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और
फेयर वैल्यू ना दिया हो तो मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना हम किस इंटेंशन से रखे हैं, लॉन्ग टर्म इंटेंशन से रखे हैं, कमाने के उद्देश्य से कि लंबे समय से उससे रिटर्न कमाएंगे, तो उसको हमेशा कॉस्ट पे दिखानी चाहिए, है ना। हाउएवर अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो राइट अप आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए 5 लाख का मैंने शेयर खरीदा और इंटेंशन मेरा है लंबे समय तक रखूंगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेंशन टू होल्ड मोर देन 12 मंथ, है ना। अब हुआ क्या, जिस कंपनी का शेयर खरीदा वो कंपनी लॉस में चली गई। अब जब कंपनी लॉस में चली गई तो शेयर का दाम गिर के 2 लाख रह गया, एंड ये टेम्पोररी नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि ये 2 लाख ही रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये परमानेंट नेचर ऑफ डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी तो टेम्पोररी घटी नहीं, ऐसे मार्केट में तो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन होते हैं, शेयर आज 100 का है कल को 99 का होगा, कल को 97 का होगा, फिर परसों 102 का होगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, परमानेंट नेचर ऑफ डिक्लाइन होना चाहिए टेम्पोररी नहीं। तो आप क्या करोगे, फिर कैरिंग अमाउंट उसका रिड्यूस करोगे, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन करोगे, राइट ऑफ करोगे, 3 लाख जो घट गया वैल्यू ये क्या करोगे, पीएल में डेबिट करोगे। चलो समझ में आया क्या, कैसे वैल्यू करते हैं बताओ फटाफट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे, हाउएवर इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोविजन फॉर डिक्लाइन शुड बी मेड, ऐसे लिख दोगे चलेगा। शॉर्ट टर्म कैसे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। चलो अच्छा, कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं और जितने भी लगते हैं ना खर्चे, चाहे ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी ये वगैरह सारा जोड़ने के बाद जो आएगा वो है, ठीक। ये जर्नल एंट्री है बाई के, ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे, ये लिखा है। कुछ ना बोले अलग अलग डेट पे इन्वेस्टमेंट पर हमने बाई किया है तो वेटेड एवरेज मेथड से उसका कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आओ जरा एक आध क्वेश्चन देख लो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन अ शेयर ऑफ अनदर कंपनी एक अक्टूबर को, ठीक है 14 को, 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया कितना, 2,50,000, कितना 2,50,000, ठीक है। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ 4 लाख एंड दिस मच ऑन मार्च 2012, पीछे कहीं मार्च 2012 में हमने गोल्ड भी बाई किया था और सिल्वर भी बाई किया था और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, गोल्ड का 4 लाख और सिल्वर का 2 लाख, कोई बात नहीं। और 2015 के एंड में हम खड़े हैं 31/3/15, ठीक। और यहाँ पे दिया है मार्केट वैल्यू शेयर गोल्ड सिल्वर तीनों का, लिखा है कि इस इंस्ट्रूमेंट अबव इन्वेस्टमेंट को कैसे बुक में शो करेगा, मतलब आपको अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के अनुसार वैल्यू करके बताइए। देखो शेयर का इन्वेस्टमेंट जो है 2,50,000 का, वो तो इसी साल किया है और क्वेश्चन ने बोला नहीं इंटेंशन टू होल्ड क्या है, जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन हमारा इंटेंशन क्या था, विद इन 12 मंथ डिस्पोज ऑफ करने का कि लंबे समय तक रखने का, तो इस पे आपको एजुम्पशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसकी वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, फिर प्रोविजन लिखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है कॉस्ट पे, हाँ अगर कोई डिक्लाइन है अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन तो वो राइट ऑफ करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन लिखने के बाद सॉल्यूशन शुरू करोगे, ठीक। फिर लिखना आप कि जो शेयर का, यहाँ पे देखो शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है, एज्यूमिंग कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, इंटेंशन टू होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे हो जाएगी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितना है 2,50,000, मार्केट वैल्यू कितना है 2,25,000, किस पे वैल्यू होगी 2,25,000 पे। हाउएवर इसको अगर आप लॉन्ग टर्म मानते, इंटेंशन टू होल्ड क्या मानते, मोर देन 12 मंथ, लॉन्ग टर्म का मतलब सिंपली अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट पे वैल्यू करते, बट ड्यूरिंग द ईयर है कुछ नहीं बोला तो आप करंट मान के कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन कर देना। गोल्ड और सिल्वर पे देखो इसके दो इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग टर्म है, एक 2012 में किया था तो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल तो ऐसे ही गुजर गए, है ना। इंटेंशन टू होल्ड एज अ लॉन्ग टर्म होता तभी तो अभी तक हमने डिस्पोज ऑफ नहीं किया है ना, तो इसको, और जनरली होता क्या है ना, गोल्ड और सिल्वर लोग लंबे समय के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म मान के इसको आप वैल्यू करोगे एट कॉस्ट, कोई परमानेंट डिक्लाइन का तो बोला नहीं तो कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, ठीक है।
ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान से देख लो। गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म मान के उनके कॉस्ट पे वैल्यू किया है, शेयर को इफ इन्वेस्टमेंट इंटेंशन टू होल्ड शॉर्ट टर्म तो उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू, ठीक। और अगर लॉन्ग टर्म मानते तो कॉस्ट पे दिखाते, ये कंप्लीटली आपको थोड़ा सा एजम्पशन लेके लिखना पड़ेगा, प्रोविजन सबसे पहले लिख देना। चलो उसके बाद आता है रिक्लासिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम करेंट इन्वेस्टमेंट करे होते हैं, बाद में हमें लगता है नहीं इसको नहीं बेचेंगे लॉन्ग टर्म में रखेंगे, तो हमें उसको लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना। और कई बार होता है लॉन्ग टर्म के रूप में हम परचेज करते टाइम लॉन्ग टर्म मान के करे थे और हमें लगता है नहीं नहीं अब हमें नहीं रखना और उसको एज हम शॉर्ट टर्म क्लासिफाई करते हैं। तो जब भी रिक्लासिफाई करेंगे क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज, उसकी उस समय वैल्यूएशन करेंगे, ठीक। अब बताओ करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई हो रहा है तो मैंने बोला उसकी पहली वैल्यूएशन करेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती कैसे है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अच्छा मार्केट वैल्यू भी क्वेश्चन में एक बार दिया था पास्ट में और फेयर वैल्यू भी दिया था, तो आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर करोगे। मार्केट वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जब फेयर वैल्यू है और प्रोविजन में फेयर वैल्यू लिखा है तो फेयर वैल्यू ही करोगे, ठीक। वैसे ही लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में रिक्लासिफाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म को एक बार पहले वैल्यू कर देंगे। लॉन्ग टर्म वैल्यू होता है हमेशा कॉस्ट पे, पर मान लो पास्ट में जैसे मेरा एग्जाम्पल था ना कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख का हो गया, 3 लाख हमने राइट ऑफ कर दी, राइट ऑफ कर दिया 3 लाख, याद करो शेयर का। अब बताओ कॉस्ट तो उसका क्या है, 5 लाख, कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 2 लाख। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक में कितने में दिख रहा है, 5 लाख का था जरूर लेकिन परमानेंट डिक्लाइन आया तो हमने राइट ऑफ कर दिया ना, 2 लाख का है तो बुक में 2 लाख का दिख रहा होगा, कैरिंग अमाउंट इसको बोलते हैं। और कॉस्ट का मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, है कि नहीं। हमारे केस में अगर 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है और 2 लाख पे बुक में दिखा रहा है तो 2 लाख पे दिखाएंगे, ठीक है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। चलो जरा फटाफट से आ जाओ एक क्वेश्चन पे, रिक्लासिफिकेशन का अ पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर दिस मच, ये क्या है, कॉस्ट, टू बी रिक्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म। अब जब करेंट को लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई करते हैं तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और करेंट वैल्यू कैसे होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट तो ये दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू यहाँ ये दिया है, फेयर वैल्यू नहीं है तो मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मानेंगे। विच एवर इज लोअर का मतलब 20 पे रिक्लासिफाई करेंगे, ठीक। दूसरा यहाँ पे ये फिर करेंट इन्वेस्टमेंट का आया, कॉस्ट ये रहा और फेयर वैल्यू ये रहा। जब करेंट लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई होता है तो वैल्यूएशन करते हैं, करेंट की वैल्यूएशन कैसी होगी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर यानी कि 6.5 पे, 6.5 पे, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टर्म हो रहा है रिक्लासिफाई अब करेंट इन्वेस्टमेंट में, तो लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। यहां पे दिया है ओरिजिनल कॉस्ट ये, बट राइट डाउन होके 12 लाख पे, ये कैरिंग अमाउंट है, बताओ किस पे करोगे, विच एवर इज लोअर यानी कि 12 लाख पे। सिंपल सा है, प्रोविजन लिखना और रिक्लासिफाई करके बता देना। डिस्क्लोजर देखो पूछा हुआ है पास्ट में एक बार, बड़ा सिंपल है। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट किया है हमने, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू करेंट एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये एक तो करेंट में कितने इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म में कितना है उसको क्लासिफाई करके दिखाओगे। अमाउंट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिविडेंड इंटरेस्ट रेंटल ग्रोस एंड टीडीएस, यानी कि इन्वेस्टमेंट से कितना हमने कमाई किया वो भी आप दिखाओगे डिस्क्लोजर में, है ना। डिविडेंड के रूप में कितना, इंटरेस्ट के रूप में कितना, रेंटल के रूप में कितना, ग्रोस एंड टीडीएस दोनों, यानी कि इनकम तो हमें हमेशा ग्रोस पे रिकॉर्ड करना होता है, टीडीएस कटने के बाद नेट में कुछ और आता है ना, उस टीडीएस का बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम बेनिफिट मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ सच, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस करेंट इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ है अगर हमने बेचा है तो, और चेंज इन कैरिंग अमाउंट यानी कि जब हमने वैल्यूएशन किया बैलेंस शीट डेट पे तो कैरिंग अमाउंट में कितना चेंज आया है, ठीक। वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना बेचा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया और कैरिंग अमाउंट में कितना चेंज आया, ये चीज आप लिखोगे। अब आते हैं एएस 1 पे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो एएस 1 ना बड़ा छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है,
फटाफट से देखते हैं, पर इंपॉर्टेंट है, कई बार आते रहता है। देखो हमें बहुत सारे, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, बहुत सारे एजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सही में बताना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% किसी ने बनाया है, ये क्या है? एक एजम्पशन ही तो है। रियल में 5-6% होगा, किसी ने देखा है क्या? 10% बैड डेट हो सकता है। डेप्रिसिएशन के लिए सेल्वेज वैल्यू मशीन का हमने 1 लाख लिया है और लाइफ 12 इयर्स लिया है, ये क्या है? ये भी एक एजम्पशन है। 12 साल ही चलेगा मशीन, किसी ने देखा है क्या? 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी चल सकता है, एजम्पशन है। सेल्वेज वैल्यू 12 साल के अंत में 1 लाख में सेल्वेज वैल्यू रियलाइज होगा मशीन से, ये भी किसी ने देखा है क्या? नहीं। 1 लाख से ज्यादा में भी बिक सकता है, 1 लाख से कम भी वैल्यू रियलाइज कर सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं ना, लॉट्स ऑफ एजम्पशन यूज होता है। वैसे ही 3 ऐसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते टाइम इसको ध्यान दिया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 3 अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो करके बनता है। इसीलिए कहते हैं कि जब ये फॉलो है ना, तो आपको डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मान के ही चलते हैं आपने फॉलो किया ही होगा। जब आप नहीं फॉलो करते हो तब डिस्क्लोज करो कि भैया ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन में से कोई जो भी आपने नहीं फॉलो किया है, हमने नहीं फॉलो किया है। जब आप नहीं फॉलो करोगे तब डिस्क्लोज करोगे, फॉलो करोगे तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, हम तो मान के चलते हैं कि आपने फॉलो किया होगा। ठीक, क्या है ऐसा 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? नंबर 1, गोइंग कंसर्न। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न एजम्पशन से बनाइए। गोइंग कंसर्न मतलब एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फॉरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी टू कर्टेल द ऑपरेशन। यानी कि जो बिजनेस एंटिटी है वो अपना ऑपरेशन चलाते रहेगी, यानी कि भविष्य में ये बिजनेस एंटिटी चलने वाली है, फॉरसीएबल फ्यूचर हमेशा चलती ही रहेगी, ना तो कोई जरूरत है ना तो कोई मजबूरी है इसको बंद करने का। ठीक है, इस बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे। कोई मशीन लेके आते हैं, हम 10 साल मान के डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्यों? अगर लाइफ 10 साल है तो 10 साल डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये बिजनेस जो हमने खोला है ये चलते रहने के लिए खोला है, वो मशीन जब तक रहेगा तब तक इस बिजनेस में यूज होगा, है कि नहीं? कई बार देखना, आप उधार देते हो किसी को लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो इस साल उधार दिया, अगले साल इतने लंबे समय के लिए तो कोई देता नहीं, पर फ्यूचर में जब भी जितने महीने के लिए भी देते हो, बड़े बड़े बिजनेस में हो सकता है लंबे समय के लिए भी देते हो, वहां पे आप किस बेसिस पे उधार दे रहे हो किसी को? यही सोच के दे रहे हो ना कि मेरी बिजनेस इनकंटिन्यूएशन है, चलते रहेगा, और बिजनेस चलेगा तो ये सारी चीज जो बिजनेस से रिलेटेड हमें करनी पड़ती है। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो हुआ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, चलो एक्रूवल। एक्रूवल कहता है कि जब भी कोई इनकम हो, आपने अर्न कर लिया ना, तो आप उसको इनकम दिखाओ उस साल में, भले ही कैश रिसीव हुआ हो कि ना, उस इनकम के बदले भले हुए इनकम रिसीव हुई हो या ना हुई हो। जब भी कोई एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस हुआ है, आपको उस साल में दिखानी है जिस साल में एक्सपेंस हुआ है, भले वो एक्सपेंस पे हुआ है या नहीं। तो एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी अक्रूड, दैट इज इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। अगर खर्चे हो गए, देखो एक जितनी भी बिजनेस एंटिटी है ना एक्रूवल कंसेप्ट पे बनाती है। आज मैं किसी दुकानदार से जाके पूछ लूं कि आपने दिन में कितने का सेल किया, तो पता है, मान लो 5,000 के कैश में किया है और 3,000 का उधार किसी को दिया है, तो पता है 8,000 का बिक्री बताएगा मुझे, बोलेगा 5,000 का मैंने कैश में बेचा, 3,000 का उधार। क्या ये जो उधार में बेचा है, पैसे तो आए नहीं, क्रेडिट पे सेल हुआ है, स्टिल वो उसको सेल में क्यों कंसिडर कर रहा है? ड्यू टू अक्रूवल, बेच चुका है, कमा चुका है, तो उसको कमाई में जोड़ेगा, समझ रहे हो? थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहती है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी जो एक एंटिटी यूज कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसको कंसिस्टेंट मैनर में यूज करना चाहिए। कंसिस्टेंट मैनर में यूज करने से बेटर अंडरस्टैंडिंग भी एंड कंपैरिजन भी होता है। पिछली बार मान लो आपने फीफो मेथड एडॉप्ट किया था इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, इस बार वेटेड एवरेज कर रहे हो, फिर अगले साल फिर फीफो मेथड कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। एक कोई भी जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एडॉप्ट करिए और उसको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करिए। हाँ, कोई रीजन है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का, तभी आप चेंज करो,
नहीं तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करो। अब आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी ये क्या होता है। चलो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है ना कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है अकाउंट में, गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बताओ रूल्स एंड गाइडलाइंस ना हो तो जिसका मन जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, ऐसे तो यूजर को भी दिक्कत होगी समझने में कि किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए, किसी का कैसे बनाए। तो इसीलिए एक कॉमन पैटर्न के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कंपैरिजन के लिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस अकाउंट में है, उस रूल्स एंड गाइडलाइंस को यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंपनी अडॉप्ट करती है, मान लो इन्वेंटरी वैल्यू होने के लिए बोला गया है, इन्वेंटरी की मेजरमेंट के लिए आप फीफो मेथड भी यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंपनी फॉलो करती है, कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंपनी ने सिलेक्ट किया है और अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ नहीं है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड मेथड अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया इन्वेंट्री की, अगर कॉस्ट निकालना हो तो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए दो है, कोई सा भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप अडॉप्ट करके उसको अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो आपके लिए क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी यूज, कुछ ऐसे एरिया है जहां पे अलग अलग एंटिटी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकती है। हालांकि इंस्टीट्यूट क्या कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी में भी हमने पढ़ा ना, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हो उसको कंसिस्टेंट मैनर में ईयर आफ्टर ईयर आप यूज करें। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो कोई SLM भी यूज कर सकता है, कोई WDV भी यूज कर सकता है कि नहीं। वैसे ही मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सारे सेक्टर है जहां पे अलग अलग एंटिटी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दूसरा जो हमने पढ़ा। चलो डिस्क्लोजर याद रखना है, AS1 कहता है ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंटिटी शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर्म द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा मानेंगे। जब भी आप किसी भी कंपनी का, आज जाना घर पे अभी ये वीडियो देखने के बाद, किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट टाइप करना, ठीक है, किसी भी कंपनी का, रिलायंस का, टाटा का, ठीक, उसको डाउनलोड करना, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे क्या होगा, बैलेंस शीट, फिर PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद देखोगे आप नोट्स टू अकाउंट होगा, उसके बाद देखोगे फाइनेंस अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर भी होगा। तो वही लिखा है, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है उसकी डिस्क्लोजर क्या मानेंगे, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है, आपको डिस्क्लोज करना है। ऑल द डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस, जहां पे भी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर होता है वहां पे एक ही जगह पे बारी बारी जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है सबकी डिस्क्लोजर होता है। ऐसा नहीं कि एक डिस्क्लोजर चौथे पेज पे, अगला डिस्क्लोजर 20th पेज पे, अगला डिस्क्लोजर 40th पेज पे है और यूजर उसको ढूंढते फिरे, ऐसा नहीं होता। डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस, जहां पे भी होता है वहां पे सारे अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज हुए होते हैं। ठीक, देखो देयर इज नो सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट मे अडॉप्ट डिफरेंट अन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या है कि किसी भी चीज के लिए जरूरी नहीं एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री के लिए आप फीफो मेथड से भी कर सकते हैं एंड वेटेड एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं कॉस्ट निकालने के लिए। डिप्रिसिएशन के लिए आप WDV मेथड भी यूज कर सकते हैं, SLM भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कोई सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है और मैनेजमेंट चाहे तो अप्रोप्रिएट इनमें से जो भी उसको लग रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ले। हालांकि कंसिस्टेंसी कहती है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करे उसको कंसिस्टेंट मैनर में यूज करना चाहिए। फिर आता है कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे तो किन बातों को ध्यान देंगे। सबसे प्राइमरी बात, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमेशा प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगी कि ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू दे यूजर को। ठीक, अदर कंसिडरेशन, अब ट्रू एंड फेयर व्यू एक थॉट तो है ही,
पर अदर ये कंसिडरेशन आपको जरूर ध्यान देनी है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए। एक नंबर प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर इवेंट से होने वाली अगर कोई गेन है ना, या फिर जेनरेट होने वाली है एसेट, उसको क्या करना है, इग्नोर, रिकॉग्नाइज नहीं करना है। जब वो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा ना, उसके बाद ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी है। पर फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाली है या फिर कोई लायबिलिटी अराइज होनी है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन आपको आज ही बनानी है। आज ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके लिए लॉस के लिए आपको प्रोविजन बना के चलना है। ठीक। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि ट्रांजेक्शन को कई बार उसके ओरिजिनल फॉर्म के रियलिटी से दिखानी होती है, लीगल फॉर्मेट को छोड़ के, लीगल फॉर्म को छोड़ के आपको जो रियल फॉर्म है, रियलिटी में जैसा होता है वैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहती है कि मटेरियल आइटम को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब ये मटेरियलिटी का कंसेप्ट आप कहाँ कहाँ पढ़ोगे, एक तो ऑडिट में भी पढ़ोगे, इस पे तो ऐसे भी है, दूसरा शेड्यूल थ्री में भी लिखा है मटेरियलिटी का कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, शेड्यूल थ्री कहता है कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हो या फिर इनकम हो जो कि रेवेन्यू का, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 1% या फिर 1,00,000 से हायर, जो भी हायर हो इनमें से, उसको एक्सीड करता हो, वैसे इनकम या एक्सपेंडिचर को सेपरेटली आपको दिखाना जरूरी है। उसको आप क्लब करके किसी और खर्चे के साथ नहीं दिखा सकते। जो भी शेयर होल्डर जो 5,00,000 या उससे ज्यादा का शेयर, 5% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड करते हैं कंपनी में, ठीक, वैसे शेयर होल्डर की होल्डिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक, 5% या उससे ज्यादा का, ये क्या है, मटेरियलिटी है। जो भी मटेरियल आइटम होगा उसकी सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है, इससे इंसान को पता चलेगा, यूजर को पता चलेगा, मटेरियल चीज का नॉलेज होना जरूरी है यूजर को। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी कोई कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है एंड इट हैज इम्पैक्ट, मटेरियल इम्पैक्ट इन करेंट पीरियड, मान लो आप, एग्जांपल देता हूँ, फीफो मेथड से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट करें, इस वजह से आपको 5,00,000 का अब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में चेंज आने से प्रॉफिट एंड लॉस पे भी चेंज होता है। 5,00,000 से मान लो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो करेंट ईयर में, करेंट पीरियड में अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज से मटेरियल इंपैक्ट है और उसका अमाउंट एसर्टेंड है, जैसे मेरे केस में मैंने बोला ना डिक्रीज हो रहा है 5,00,000 से, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है, अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज। वैसे ही मान लो करेंट पीरियड में मटेरियल इंपैक्ट तो है पर अमाउंट आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो, अमाउंट आप निकाल पाना संभव नहीं है अभी, अमाउंट आपको एग्जैक्ट पता नहीं, पर आपको इतना जरूर पता है कि इससे फर्क पड़ने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो आप फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे, ये बात आप लिखोगे कि मटेरियल इंपैक्ट है और अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है। कई बार होता है मटेरियल इंपैक्ट करेंट पीरियड में तो नहीं होता जो पॉलिसी चेंज होती है, पर फ्यूचर पीरियड में होगी। ठीक है, करेंट पीरियड में मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, करेंट पीरियड में आया तो ये हो गया, करेंट पीरियड में ना होकर फ्यूचर पीरियड में, तो इस फैक्ट को आप लिखोगे कि मटेरियल इंपैक्ट करेंट पीरियड में नहीं है, फ्यूचर पीरियड में है, ये लिखा है फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन करेंट पीरियड, इस चीज को करेंट पीरियड में आप लिखोगे। ठीक है, आई थिंक चलो हाँ खत्म हुआ अपना ग्रुप वन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, बचे हुए भी सारे रिविजन लेक्चर आप लोगों को अपलोड हो जाएंगे। आप फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपकी नेसेसिटी है, सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करो। ठीक, और जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।